नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल लकी स्टार में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कि आप किस प्रकार से आप अपने अकाउंट नंबर के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आखिर आपके जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो आपके खाते में आई है या नहीं, आखिर आई है तो किस डेट में आई है या कब तक आएगी, पूरी जानकारी मैं आपकी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हुए बताते हैं कि आपको कैसे उसको चेक करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन में कोई ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेना। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है PFMS, ठीक। आपको ये सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद फ्रेंड्स पहले नंबर पे देख सकते हैं कि PFMS.NIC.IN का आपको ऑप्शन दी जाएगा, इसलिए आपको इस पर क्लिक करना है और इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आप PFMS की ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको नो योर पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, इसलिए फिर आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे अकाउंट डिटेल भरने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना बैंक आपको सर्च करना है, जो जिस बैंक में आपका खाता है। तो जैसे कि मेरा बैंक यहाँ पे है सेंट्रल बैंक, ठीक। तो आपको यहाँ पे सेंट्रल लिखना है। वैसे आपको मान लीजिए कोई भी बैंक है तो उसका सिर्फ आपको यहाँ पे दो चार अक्षर लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कैसे लटक के आ जाएगा, ठीक। आप यदि इसमें चाहें तो पूरा पूरा लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखने से नहीं होता, इसमें से सेलेक्ट करना होगा लिखने के बाद भी, ठीक। जैसे यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पूरा यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नीचे यहाँ पे लटक के आ चुका है, ठीक। तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। आप ये सोचेंगे सिर्फ आप इसमें लिख देंगे ऊपर वाले में तो हो जाएगा, नहीं होगा। लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस पर आपको टैप करना पड़ेगा, ठीक। उसी प्रकार से यदि आपका स्टेट बैंक है तो उसको भी आपको यहाँ पे सर्च करके उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखना है, जो आपने अकाउंट नंबर अपने स्कॉलरशिप में दे रखा है आपको इसमें एक बार लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार और इसमें लिखना है कन्फर्म अकाउंट नंबर, ठीक। उसके बाद इसलिए आपको यहाँ पे कैप्चा ये वाला बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स को इसको भर लें। चलिए हम यहाँ पे अपना जो अकाउंट नंबर है उसके यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले में आपको वही भरना है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने भर लिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे कैप्चा आपको पिक्चर में शो रही है सेम टू सेम आपको यहाँ पे कैप्चा वही इंटर कर लेना है 833F7। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे सेंड OTP ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर। पहले हालांकि लगभग 2 साल पहले यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए यहाँ पे सबमिट बटन आपको देता था जिसपे आप सबमिट करते ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कुछ अपडेट करी गई है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको OTP भेजा जा रहा है। ये मोबाइल नंबर आपके जो बैंक में लिंक होगा वो नंबर की बात कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा OTP चला गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नंबर भी दिखाता है कि आखिर आपके कौन से नंबर पे गया। उसका यहाँ पे सिर्फ लास्ट का यहाँ पे 3 डिजिट आपको यहाँ पे शो करता है। उसके बाद इसलिए आपको यहाँ पे OTP इस बॉक्स में इंटर कर लेना, इस पर आपको टाइप करना है और यहाँ पे अपनी OTP हमने यहाँ पे इंटर कर दी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए आपको वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे आ चुकी है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे शो रहा है और यहाँ पे आपका बैंक शो रहा है, आपका यहाँ पे नाम शो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये यहाँ पे शो रहा है आज की डेट यहाँ पे शो रही है कि आप आखिर किस डेट में देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिटेल शो रही है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यहाँ पे शो रहा है और यहाँ पे पर्पस दिखा रहा है कि। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेम अनोन, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन आई डी यहाँ पे शो रही है और यहाँ पे पेमेंट मेथड यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आखिर आपकी कितनी अमाउंट आ रही है, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4200 रुपये मेरा यहाँ पे आने वाला है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। कई बार यहाँ पे पेंडिंग भी देता है कि आपका यहाँ पे पेंडिंग में है या प्रोसेस में है और यहाँ पे डेट देता है आपको कि किस डेट में आपको आके आपके खाते में जाएगा, ठीक। हालांकि यहाँ पे ये ओल्ड वाला इसलिए यहाँ पे ओल्ड का शो रहा है, लेकिन यहाँ पे यदि प्रोसेस में होता है यहाँ पे प्रोसेस लिखता है, जैसे यहाँ पे सक्सेस यहाँ पे लिखा है तो यहीं पे वो लिख देता है प्रोसेस, ठीक। प्रोसेस में तो प्रोसेस में जब लिखता है तो यानी कि यहाँ पे डेट भी देता है कि इस डेट तक आपके खाते में चली जाएगी, ठीक। सो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि आखिर आपके किस खाते में आपकी जो स्कॉलरशिप की धनराशि वो आई है या कब तक आएगी, पूरी जानकारी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप इसे चाहें तो यहाँ पे डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे डाउनलोड में देखते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, वही जो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल लकी स्टार को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।